हे गाइज, वेलकम टू स्टॉक टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन टू द मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, जो कि 1 मई 2021 से फरवरी 2022 से के लिए अवेलेबल है। उस कंपटीशन को CBSE ने लॉन्च किया है NCERT के साथ कोलेबरेट करके, जो कि 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी का है। तो ये कंपटीशन 3 लेवल पे बेस्ड है, स्कूल लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल। CBSE इस कंपटीशन को स्कूल और रीजनल लेवल पे ही ऑर्गेनाइज करेगा अपने एफिलेटेड स्कूल के लिए, एक्सेप्ट केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय। तो कंपटीशन और इस कंपटीशन एट स्कूल लेवल, इसमें स्कूल लेवल पर कॉम्पिटिशन क्या है, देखिए स्कूल लेवल पर कॉम्पिटिशन कंडक्ट होगा ऑनलाइन मोड में, जो कि 24 जून से लेकर 19 जुलाई तक के लिए है। इस यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो यहाँ पर कैटेगरीज है, यहाँ पर 3 कैटेगरीज है, यहाँ पर क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 और 11 to 12 है। तो क्लास 6 to 8 के लिए पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे है, पोएम है। थीम आपका यहाँ पर चाइल्डहुड ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ त्याग महल टू तेग बहादुर। और यहाँ पर क्लास 9 से लेकर 10 के लिए पैराग्राफ ऐसे पोएम सेम है। और यहाँ पर लाइफ ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आनंदपुर साहिब। और यहाँ पर 11th और 12th के लिए पैराग्राफ ऐसे और पोएम। और यहाँ पर इनका थीम है जर्नी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, पंजाब एंड अदर रीजन, टीचिंग ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर बता रहा था स्टूडेंट कैन चूज़ एनी थीम, यहाँ पर आप कोई भी थीम को चूज़ कर सकते हैं और उस पर ऐसे या पोएम या पैराग्राफ लिख सकते हैं। द पैराग्राफ ऐसे पोएम कैन बी सबमिटेड इन हिंदी और या इंग्लिश, दोनों में से किसी पे भी लिख सकते हैं आप। स्कूल शैल कंप्लीट द एवोल्यूशन ऑफ एंट्री ट्रेंड बाय द 24 जुलाई एंड शॉर्टलिस्ट 1 एंट्री पर कैटेगरी। तो इस 3 कैटेगरी में से पर एक बच्चे को सेलेक्ट करना है और ये 24 जुलाई तक स्कूल को इसे एवोल्यूशन करके CBSE को सबमिट करना है। सेलेक्टेड एंट्री शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। आपको इस लिंक जो कि फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इसे सबमिट करना है और एंट्री फाइल जो जिसमें आप बनाएंगे PDF और या फिर वर्ड फाइल बनाएंगे, वो 10 MB से ज़्यादा एग्जिट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। और यहाँ पर रीजनल लेवल का जो कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है द स्टूडेंट शुड बी, और यहाँ पर 6 नंबर छूट गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन के लिए, उस जिस लेवल पर उसने पार्टिसिपेट किया है। द स्टूडेंट शुड, और यहाँ पर कंपटीशन एट रीजनल लेवल में क्या है, द स्टूडेंट शुड हु हैव बीन सेलेक्टेड बाय द स्कूल विल पार्टिसिपेट एट रीजनल लेवल इन द मंथ ऑफ सितंबर। जो स्टूडेंट अपने स्कूल में सेलेक्टेड होगा, जो कि विन होगा, वो रीजनल लेवल में मंथ मतलब सितंबर के मंथ में उसे रीजनल लेवल के लिए अपॉइंटेड किया जाएगा। टॉपिक थीम विल गिवन बाय CBSE द लाइफ एंड द ग्रुप लाइफ एंड द टाइम ऑफ गुरु तेग बहादुर। टॉपिक और थीम CBSE देगा फ्रॉम द लाइफ एंड टाइम ऑफ द गुरु तेग बहादुर जी। The competition will be held in the above 3 mentioned category in all writing form. तो यहाँ पर 3 कैटेगरी जो था, इसी में एक कॉम्पिटिशन होगा। ऑल पार्टिसिपेशन विल ई सर्टिफिकेट्स उन्हें मिलेगा। द बोर्ड विल फॉरवर्ड द 200 पार्टिसिपेंट इंक्लूसिव ऑफ ऑल कैटेगरीज एंड राइटिंग फॉर्म फ्रॉम ईच CBSE रीजन टू NCERT लेवल कॉम्पिटिशन। तो बोर्ड जो है वो 200 पार्टिसिपेंट्स को नाम वहाँ पर सेंड करेगा, और जो कि नेशनल लेवल पर कंपटीशन होने वाला है NCERT के हर रीजन से। और कंपटीशन एट नेशनल लेवल टू बी ये कंडक्ट करेगा NCERT, जो कि SCERT के साथ होगा और MyGov के साथ, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको पता ही होगा। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वहाँ जाके, जो कि जनवरी से 28 फरवरी 2022 में होगा। और अवार्ड विल बी डिक्लेयर बाय NCERT। तो यहाँ पर अवार्ड NCERT ही डिक्लेयर करेगा। और अगर आप कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ पर इस मेल पर मेल करके और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा और इसमें एंट्री करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपको इसमें फॉर्म और सबमिट करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।